आप याद कर सकते हैं। और बहुत सरल साधन, सुबेरे उठ के एक बार बोल लो, सोते समय एक बार बोल लो, कितना बढ़िया उपाय। दुखक ग्रामाद विमुच्यते, सारे दुख दूर हो जाएंगे। आप लोग बोल लीजिए, जय जय मीन बरा कमठ नर हरि बलि बामन, जय मीन बरा कमठ नर हरि बलि बामन, परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरति जग पावन, परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरति जग पावन, बुद्ध कल्कि अरु व्यास प्रथु हरिहंस मन्वंतर, बुद्ध कल्कि अरु व्यास प्रथु हरिहंस मन्वंतर, यज्ञ ऋषभ हयग्रीव ध्रुव वर देन धन्वंतर, यज्ञ ऋषभ हयग्रीव ध्रुव वर बद्रीपति दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो, बद्रीपति दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो, सनकादिक करुणा करो, सनकादिक करुणा चौबीस रूप लीला रुचिर अग्रदास उर भद्रो, चौबीस रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास उर भद्रो, चौबीस रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास उर भद्रो, अग्रदास ये 24 अवतार हैं भगवान के। अंत में सनकादिक अवतार लिए, जब सबसे पहला है आप सुन रहे थे, सबसे पहला सनकादिक, अंत में क्यों कहा मीन अवतार सबसे पीछे, उसको आगे कर दिया नाभाजी ने। इसकी चर्चा फिर कभी करेंगे, समय नहीं रहा। एक वाक्य में कह दें, चलो फिर पता नहीं समय मिला ना मिला। सनकादिक संत स्वरूप हैं, सबसे आखिरी में संतों को लिया। मानो नाभाजी ये कहना चाहते हैं सनकादिक एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कितने हैं? चार, मैंने बहुत संख्या में है। नाभाजी का भाव है जितने संत हैं सब भगवत स्वरूप हैं, ये बताने के लिए अंतिम में सनकादिक स्वरूप कहा। ये संत स्वरूप है और सब संत भगवंत हैं, अंतर निरंतर नहीं, ये बताने के लिए सबसे अंत में सनकादिक कहा। और मीन अवतार सबसे पहले क्यों कहा? सबसे आखिरी में होता, सबसे पहले मीन अवतार कहा, ये क्यों कहा? बोले ये अवतार भक्तों की भक्ति करने वाला अवतार है। बोले हमें तो ऐसा भगवान चाहिए जो भक्तों का भार ढोए। मछली बन गए, सिंग में नौका बांधो, भगवान बाहक बन गए, वाहन बन गए, वाहक बन गए, और भक्तों को कहा खूब मौज से विहार करो। भगवान अपनी भगवत्ता छोड़कर भक्तों की शरण में चले गए। पृथुदेहि पदम मह्यम यत्वाहम शरणं गता, अष्टम स्कंद में लिखा। भगवान ने ये नहीं कहा मैं शरण में आया हूं, आप मुझे अभय पद दीजिए, मैं आपकी शरण में आई हूं। गता स्त्रीलिंग, गता नहीं है, गता आई हूं। मानो भगवान ने कहा कि संत की शरण में कैसे जाना चाहिए, बड़ा बनकर नहीं जाना चाहिए, छोटा बन के जाना चाहिए। भगवान तुच्छ हो गए, मछली हो गए, और इसके बाद भगवान अबला हो गए। मैं बलहीन हूं, साधनी हूं, अबला हो गए। और इसके बाद भगवान ने अपनी भाषा नहीं बदली। ये बताया भगवान ने, भैया हमारे जितना छोटा भी कोई बन जाए और संत की शरण ले ले, फिर छोटा नहीं रह जाएगा, फिर उसकी वृद्धि होने लग जाएगी, उसका विस्तार होने लग जाएगा। जब मैंने भक्त का आश्रय लिया सत्य व्रत मनु का,
तो मेरा विस्तार हुआ। कितना विस्तार हुआ, लाखों योजन लंबा चौड़ा में हो गया, लेकिन फिर भी मैंने भाषा नहीं बदली। मानो भगवान कहते, संत सदगुरु का आश्रय लेकर चाहे जितनी ऊंचाई पर पहुंच जाओ, अपने दैन्य की भाषा बदलना नहीं चाहिए। आपकी भाषा में अहंकार नहीं झलकना चाहिए, आपकी भाषा में दैन्य भाव झलकना चाहिए। भगवान इतने बड़े होकर भी कह रहे थे, ये जल के जीव मुझे खा जाएंगे, मेरी रक्षा करो। मनु जी ने कहा, महाराज मोहित मत करो, मैं आपको पहचान गया, आप परमात्मा हैं। श्री सीताराम, प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।